आईपीएल सीजन 13 का 25वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बता दें आपको कि इस मुकाबले के लिए आज विराट वर्सेस धोनी की लड़ाई हो। खास बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल अंक तालिका में छठे पायदान पर है और आरसीबी की टीम अंक तालिका में पांचवें पायदान पर है। बड़ी बात यह है कि आरसीबी की टीम जहां पांच में से तीन मुकाबले जीतकर पांचवें पायदान पर है, वहीं सीएसके की टीम अब तक चार ही मुकाबले जीत पाई है और सीएसके की टीम चाहेगी कि यहां पर आरसीबी को हराकर वो अपना मोमेंटम हासिल करे। जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ सीएसके की टीम मुकाबला हारी है, उन्हें अपने बल्लेबाजी पर काफी कुछ काम करना होगा। हालांकि दुबई के स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला फ्रेश ट्रिप पर खेला जाएगा, यानी कि एक बात तो तय है कि यहाँ पर रनों की बारिश होगी। वहीं एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पर पिछले जो चार मैच हुए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। बीती शाम भी जो मुकाबला हुआ वहाँ पर भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही मदद मिली, क्योंकि बॉल बाद में फंस कर आता है, पिच टूट रही है। हम हाफ ऑफ द टूर्नामेंट पर पहुंच चुके हैं और जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था अब पिचेस स्लो होना शुरू हो गई है, इसलिए इतना आसान नहीं है। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने की कोशिश करेगा और अगर बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है तो फिर उसे ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाने होंगे। आरसीबी के बल्लेबाजों की फॉर्म काफी शानदार है, लेकिन आज आरसीबी की बल्लेबाजी को चलना होगा वरना सीएसके की टीम आरसीबी के खिलाफ उन्हें खदेड़ कर ही मारती है, ये बात आईपीएल का इतिहास कहता है। वहीं आज का मुकाबला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही कप्तान अपनी टीम को अंक तालिका में ऊपर ले जाना चाहते हैं। सीएसके के लिए थोड़ा सा मुश्किल सफर जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर एमएस धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठे। एमएस धोनी भी चाहेंगे कि वो अपने आलोचकों को करारा जवाब दें।